बीते दिन से हिमाचल के कई ज़िलों में बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह पर जहां मई के इस महीने में पारा 40 डिग्री के आसपास रहता था, वहां ठंड बढ़ गई है। पांवटा साहिब में लोगों को स्वेटर, जैकेट और रजाइयां निकालनी पड़ी। उधर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वैसे भी मौसम बेहद ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश, लाइटनिंग और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आने वाले 5 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और आने वाले 5 मई तक भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 1 और 2 मई को मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अप्रैल महीने में 17 साल बाद शिमला में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है, और साथ ही जो हमारे मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ओलावृष्टि भी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो जी देखिए, पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में, और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए, अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए, 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है, और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है, और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और देखिए, 3 तारीख को भी जो ये बारिश का सिलसिला ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, और फिर 4 तारीख से थोड़ी कमी आएगी जो ये वेट स्पेल है, परंतु फिर भी जो हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है, और मिडिल्स के और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की सी मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो हाई रिजेस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू है और चंबा, यहाँ पे जो हाई रिजेस वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है आगामी 3 दिनों के लिए। तो देखिए, जो 5 तारीख तक ये जो वेट स्पेल है ये पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। नेशनल।